हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल सिंह, टीम मैथ्स, मैथ केम के पेपर नंबर 22 में अपने आज के इसका टॉपिक है थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द लाइन एक्स माइनस 3/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। तो अपने को ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकोरेक्ट है इस लाइन के लिए। तो पहले क्या है, फर्स्ट जो आपके पास में पार्ट है, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो अपने को ये चेक करना है कि ये लाइन इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो इसमें देखो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके पास में, A1 3 and B1 1 and C1 we have 0। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन भी है, इसके आपके पास में नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या आएगी, 0। यहाँ पे B2 0 एंड C2 इज 1। सो अगर अपने पास में लाइन और एक्स वाई प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट का सम अगर इक्वल टू 0 आता है, तो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स वाई प्लेन। तो आपके पास में देखो ये A1 A2 एंड B1 B2 C1 C2 ये इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, ये लाइन क्या है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। सो दिस इज द करेक्ट। और नाउ सेकंड वन इज द क्या, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो लाइन क्या है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या नहीं है। तो जेड एक्सिस की आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, तो 0 0 1 0 0 2 0 0 3 ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 1 ले लिया। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 होती है। ओके, सो नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी दिस लाइन, सो 3 1 0। अगर अपने डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम अगर इक्वल टू 0 आता है, तो देन व्हाट डज इट मीन, सो द लाइन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ पे 3 0 3 into 0 एंड प्लस 1 into 0 एंड प्लस 1 into 0, सो दिस इज अगेन 0। क्लियर है, सो इट मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये क्लियर हो गया। अब अपने पास में दी लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 6 3 1। अब ये लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू क्या, एक्स वाई प्लेन है। क्लियर है, तो यानी जेड इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो अब इस लाइन पे देखो कोई भी अगर पॉइंट आपके पास में, देखो इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, 3 2 1। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका क्या, जेड कोऑर्डिनेट, पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज 1 1 होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे आपके पास में 6 3, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका देखो जेड कोऑर्डिनेट तो 1 है। सो दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन, वो इसको सेटिस्फाई करेगा करेगा, तो ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो अब इसको थर्ड को देखें, दी लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एक्स माइनस 3y + z - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये लाइन क्या है, इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो उसके लिए अपने देखो एक कंडीशन लगा के देख लेते हैं, सबसे पहले चेक कर लें कि कहीं लाइन क्या है इस प्लेन के पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, अगर पैरेलल होगी सो दिस लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट दिस प्लेन, वो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इसमें दे रखा है आपको क्या, इंटरसेक्ट करती है। तो देखो अगर मैं इसके प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का सम, मतलब प्रोडक्ट का सम करें, तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, 1 into 3। ओके, फिर इधर 3 - 3 एंड 1। ओके, सो इधर 0 into 1 ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये आपके पास में देखो 3 - 3 0 आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन दिस लाइन, और फिर इसको एक पॉइंट और आप चेक करोगे, इस पे जो पॉइंट है 3 2 1 वो इस प्लेन में रख के देखोगे, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है वो पॉइंट, तो देन दिस लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। अब देखो अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। ओके, तो देखो इसमें पॉइंट क्या आपके पास में, 3 2 1 इसमें रख के देखो, 3 यहाँ पे, 6 एंड दिस इज 1। ओके, -3, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। सो दिस पॉइंट, पॉइंट ऑन दिस लाइन डज नॉट सेटिस्फाई दिस प्लेन, सो दिस लाइन इज parallel to what, this plane, so this line never intersect the plane, so
Which option is incorrect here? So, fourth option. Answer to this question is fourth option. So, next question. If the line with the direction ratio 2:1:1, so intersect the lines x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, and z minus 3 upon 4, and x minus 2 upon 1, y plus 1 upon 2, z plus 2 upon 3 at point A and B. So then, what is the modulus of AB vector? एक line है वो क्या है आपके पास में, उसके direction ratios क्या है आपके पास में 2:1:1. So which intersect these two lines? वो इन दोनों lines को किस points पे cut करती है आपके पास में? A और B पे cut करती है. ये दोनों lines parallel नहीं है, अगर क्योंकि direction ratios इनकी अलग अलग है. Okay? तो इसका अपने देखो इसका point क्या let कर लेते हैं. Suppose करो 2R1+1 and 3R1+2 and 4R1+3 and now so R1 इसके coordinates क्या, इस line पे जो point lie करता है उसके point के coordinates क्या होंगे, R2+2 and R2-1 and 3R2-2. अब इसकी direction ratio आपके पास में 2:1:1 है, clear है? So what are the direction ratio of the AB? So dr of AB ये आपके पास में क्या आ रहा है, so 2R1-R2 and -1. Okay, so 3R1 minus 2R2 and +3 and 4R1 minus 3R2 एंड +5. ये आपके पास में डायरेक्शन रेशियो होगी किसकी, ए बी की. सो विच आर प्रोपोर्शन टू व्हाट, 2:1:1. तो इसके देखो आपके पास में क्या आएगा, 2R1-R2-1/2. ओके, सो 3R1-2R2 +3/1 एंड 4R1-3R2 +5/1. अब यहां से आपके पास में R1 R2 में दो इक्वेशन आएगी, तो उसको सॉल्व कर लेंगे. देखो आपके पास में इधर क्या आएगा, 4R1 आएगा, 4R1 minus 4R2 माइनस 4R2, दिस विल बी हियर -3R2 एंड +6+7. ओके, सो एक R1 R2 में ये इक्वेशन आ गई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में R1 एंड -R2 एंड +2. ओके, अब इनमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास में यहाँ पे 3R1-3R2 एंड +6. सो तो यहाँ से R1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, -1 आ गई. R1 -1 हो गया. ओके, तो R1 जब -1 हो गया तो व्हाट इज R2, हियर वी है दिस इज -1 एंड R2 इज 1, R2 की वैल्यू 1 हो गई. तो अपने अब A और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आएंगे, यहाँ पे -1 एंड -1 एंड -1. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? B के कोऑर्डिनेट आपके पास में हो गए 3 एंड 1 एंड दिस इज 1. ओके, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ AB, मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर. सो ये आपके पास में कितना हो गया, इसको देखें तो दिस इज 16 एंड दिस इज 4+4. ओके, सो नाउ दिस वी हैव 2√6. सो ए मॉडुलस ऑफ AB इज वी हैव 2√6. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The line passing through the point 5, 1A and 3, B, 1 crosses the YZ plane at the point 0, 17/2, -13/2. So line crosses the YZ plane को cross करती है. तो YZ plane का equation क्या होता है, x=0 होता है. तो YZ plane में सभी points का x coordinate क्या, 0 होता है. तो अपने पहले line का equation लिखते हैं. So what is the equation of the line that will be passing through the these two points? तो
सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x माइनस वाई, सो वी हैव हियर 2 एंड y माइनस 1, सो 1 माइनस बी इस फॉर्म में, सो z माइनस a अपॉन a माइनस 1, क्लियर। इस पे तो जो पॉइंट है आपके पास में दैट पे, लेट्स टेक द पॉइंट r, सो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ पॉइंट का, हियर 2r प्लस 5, ओके, सो लाइन क्रॉसेस द y z प्लेन, सो दिस x कोऑर्डिनेट x विल बी हियर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, सॉरी r की वैल्यू माइनस 5.2, सो r की वैल्यू आपके पास है माइनस 5.2 आ गई। अब इसको अपने माइनस 5.2 को यूज करेंगे किसमें, तो देखो y कोऑर्डिनेट यू आर गिवन, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 17/2 के दे रखा है, तो देखो यहाँ पे आपके पास है y माइनस 1/1 - b, सो दिस वी है r की वैल्यू माइनस 5.2 यूज करो यहाँ पे, तो y की वैल्यू इसमें 17/2 रखेंगे, तो b की वैल्यू मिलेगी वहाँ से आपको, तो दिस इज 17/2, यहाँ से 2y माइनस 2 एंड दिस इज माइनस y प्लस 5b, ऐसा तो यहाँ पे आपको क्या है 17/2 रखना है, तो दिस वी 17 - 2 माइनस 5 प्लस 5b, सो दिस वी है 15, तो b इज इक्वल टू 4 आ रहा है, सो b इज इक्वल टू 4, तो सिमिलरली फ्रॉम हियर द z कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इज माइनस 13/2, तो यहां से आपके पास में z माइनस a, दिस इज r a माइनस 1, ओके, सो r की वैल्यू इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, z की इसमें वैल्यू डाल दो माइनस 13/2, सो माइनस a एंड व्हाट इज द r, माइनस 5/2 एंड a माइनस 1, इससे इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो माइनस 13 - 2a एंड माइनस 5 एंड a प्लस 5 इस फॉर्म में आ गया, सो दिस वी है माइनस 16 - 18 एंड दिस इज माइनस 3a, सो a इज इक्वल टू 6, सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सो थर्ड ऑप्शन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपके पास में दे अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, इस लाइन एंड एक्स वाई प्लेन इज अल्फा एंड अक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स एक्स प्लस 2y एंड 2x + y इज इक्वल टू 0 इज बीटा, सो देन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है, सो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन यू नो द साइन थीटा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √ a1 स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगेगा। अब इसमें देखो आपके पास में लाइन ये रही, तो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज 4i - 3j 3k कैप, तो उसके अपने पास में डायरेक्शन रेशियो क्या है 4 - 3 4 0 - 3, अच्छा एक्स वाई प्लेन के अपने पास में, एक्स वाई प्लेन के आपको पता होना चाहिए एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं 0 0 1 होता है, ठीक है, तो देखो एंगल बिटवीन द दिस लाइन एंड एक्स वाई प्लेन यानी जेड इज इक्वल टू 0, सो क्या आएगा आपके पास में दैट इज साइन अल्फा, सो हियर भी है यहां से आपके पास में क्या आएगा 4 × इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है 0 0 1, इसके आपके पास में 4 × 0 एंड जे है नहीं इसमें, इसमें फिर आपके पास में वो लगाने की जरूरत नहीं है, सो माइनस 3 and 1 अपॉन में क्या आएगा आपके पास में सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द दिस लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है 4i - 3k, सो दैट इज 5 आएगा 5, ओके, इससे आपके पास में 1 आ रहा है, तो ये आपके पास में साइन अल्फा इज इक्वल टू अक्यूट लेना है, क्लियर है, तो माइनस ये मॉडुलस में ले लोगे आप, इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा, तो दिस इज 3/5, ओके, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, सो cos square alpha you can find out what is the cos square alpha that is 4/5, now angle between these two planes we have to sin beta, sorry cos beta, to cos beta aega, angle between these two planes we have cos beta, so that will be 2 × 2 and 2 × 1 phir 2 × 1, okay, so niche aapke paas mein √5 and √5, सो दिस वी हैव 4/, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 4/5, तो साइन बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, साइन बीटा तो दैट भी हैव इक्वल टू व्हाट
सो 3/5, तो साइन बीटा ये आ गया. तो सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दिस, तो कोस स्क्वेयर अल्फा, कोस स्क्वेयर अल्फा एंड तो यू है दिस इज कोस अल्फा, तो कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा ये पूछा है. ठीक है, तो ये आपके पास में 25/5 आ रहा है, 25/25, सो दिस इज इक्वल टू 1. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, थीटा एंगल्स है बिटवीन द दीज टू लाइंस. सो ये आपके पास में लाइंस दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके पास में. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन भी है A1 2. अगर एंगल फाइंड आउट करना है सो यू हैव टू अप्लाई द हियर कोस थीटा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2. पहले आप इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम करके देखोगे, इसमें देखें क्या आता है, 2 × 3 एंड -1 × 6 यहां से, सो फिर +3 × 0 यहां पे, इसके डायरेक्शन रेशियोज यहां से इस लाइन की क्या क्या मिली, 3, 6 एंड 0. सो वी हैव 6 - 6, दिस इज 0. क्लियर है, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज टू लाइन इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स एंगल बिटवीन दम इज वी हैव 90 degree. सो थीटा इज हियर वी हैव π/2. तो थीटा कितना मिल गया, π/2 मिल गया. अब अपने को इसकी वैल्यू पूछी है, तो 0 से π/2 ये इसकी लिमिट हो गई. सो dx/1 tan x. अब इसमें आप किंग रूल लगा के इसको साइन कोस में किंग रूल लगाकर अगर इसको ऐड करते हैं तो यू विल हैव द इट्स वैल्यू विल बी हियर π/4. ठीक है, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स. तो अप्लाई द किंग रूल हियर, सो यू विल गेट द सेम. तो इधर 2i हो जाएगा, इधर आपके पास में क्या बनेगा dx, तो π/2 आ जाएगा. सो इट्स आंसर विल बी द π/4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज π/4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 0 एंड पैरेलल टू दिस टू लाइंस इज ax + by + cz इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ a + b + c. अब एक प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू, तो इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विल बी हियर वी हैव वी राइट डाउन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म. सो x + 1 एंड y - 2 z. सो हियर वी हैव यूज टू वी हैव टू यूज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द बोथ द लाइंस. सो 3, 0, -1, 1, 2, -1. ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आपके पास में दिस विल बी 2x + 1. सो हियर वी है -3 and -3 + 1, दैट इज -2. हियर इसका माइनस का आएगा, प्लस का 2y - 2. ओके, सो नाउ जेड में आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6z = 0. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आपके पास में क्या आएगा, ये -2, तो 2x + 2y + 6z. सो हियर भी -4 एंड दिस इज -2. अब इसको अपने किससे डिवाइड कर देते हैं, सो 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द इक्वेशन, x + y + 3z - 1. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द a + b + c. सो व्हाट इज द a1 b1 c 3. सो a + b + c वी हैव इक्वल टू 5. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए बी एंड सी, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज वी हैव dxyz. सो सेटिस्फाई द रिलेशन. अब एक प्लेन है विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर है, सो एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, सो दैट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ए बी सी, उसके जो ट्राइंगल ए बी सी का जो सेंट्रोइड है xyz है, तो अपने को दैट सेंट्रोइड सेटिस्फाई द दिस रिलेशन.
अब देखो ऐसा है, ये प्लेन हो गया आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके, सो दिस मीट्स द हेयर ए बी सी. इसका जो सेंट्रोइड है आपके पास में क्या है, दैट इज एक्स वाई जेड, डी सेंट्रोइड दे रखा आपको इसका. सो देखो अपने अज्यूम कर लेते हैं द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल प्लेन बी हैव, तो इसका वेरिएबल प्लेन का इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, इस तरीके से अज्यूम कर लिया. सो दिस इज मेकिंग सम इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ है आपके पास में, ए जीरो जीरो, इसके जीरो बी जीरो, एंड इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो सी, क्लियर. नाउ दिस प्लेन इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपके पास में यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन दैट इज इक्वल टू वन, तो वन के इक्वल रखेंगे ऐसा, तो यहां पे आपके पास में जीरो 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 माइनस वन अपॉन अंडरूट में वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर, वन अपॉन सी स्क्वायर, ओके, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है, वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर, वन अपॉन सी स्क्वायर, वी हैव इक्वल टू वन. सो सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एक्स वाई जेड, इफ यू अप्लाई द हायर फार्मूला फॉर द सेंट्रोइड, सो ए प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, थ्री एक्स मिलेगा, बी इज इक्वल टू थ्री वाई मिलेगा, सी इज इक्वल टू थ्री जेड मिलेगा. अब ये ए बी सी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं अपने, तो जब इसमें रखोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, सो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, वन अपॉन वाई स्क्वेयर, वन अपॉन जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, यहाँ पे नाइन आएगा, ठीक है, तो ये के की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, नाइन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ए पॉइंट पी क्यू आर लाइज ऑन द प्लेन, एक पॉइंट पी क्यू आर है वो इस प्लेन पे लाई करता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू सच दैट, तो वैल्यू ऑफ क्यू बतानी है अपने को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू सच दैट द वेक्टर ए, वेक्टर ए पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के सेटिस्फाई द दिस रिलेशन, वो इसको सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तीन वेक्टर्स का, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है. तो देखो इसमें आप पहले क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इस तरीके से जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसमें फार्मूला लगा दिया. सो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो जे वेक्टर डॉट ए, व्हाट इज ए वेक्टर, ये, तो ये दिस विल बी क्यू जे, ओके. सो जे वेक्टर दैट इज वन, सो व्हाट इज ए वेक्टर भी है पी आई माइनस क्यू जे माइनस आर के इक्वल टू जीरो, सो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्लियर है. अब नाउ यू नो द आई एंड के, सो दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स है, तो दीज आर पी आर आर क्या स्केलर्स हो गए, ओके. सो ये यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, सो I एंड K आर नॉन कोलिनियर, सो देन P एंड R बोथ मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों जीरो के इक्वल हो गए. अब अपने पास में देखो मैन पूछा क्या, मैंने यहाँ पे आपके पास में Q की वैल्यू पूछी है, अब ये पॉइंट किस पे लाई करता है, इस प्लेन पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास में देखो ये इसको जब सेटिस्फाई करेगा तो P प्लस टू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू फोर, ओके. सो यहां से आपके पास में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड आर, सो वैल्यूज ऑफ द पी एंड आर वी हैव हेयर इक्वल टू जीरो, ओके. सो यहां से जब जीरो रखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू अपने पास में यहां पे टू आ रही है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है क्यू इज इक्वल टू टू, सो तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्लेन एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन जे प्लस जेड अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटरसेक्ट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, क्लियर है, देन वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी वेयर ओ इज द ओरिजिन. अब ये प्लेन क्या है,
इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस को एट पॉइंट ए बी सी, देन यू हैव टू टेल द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी। तो देखो अगर अपने इसको देखो इस फॉर्म में अगर लिखते हैं एक्स अपॉन वन आएगा, सो वाई अपॉन हेयर वी हैव थ्री अपॉन टू एंड जेड अपॉन दिस विल बी हेयर टू इज इक्वल टू वन। सो व्हाट आर दी, अगर डायग्राम को थोड़ा सा देखें इसमें, ये क्लियर है। सो हियर वी है ओ ए बी सी, ओके। सो व्हाट इज द ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज नथिंग, दिस इज आई कैप, ओ ए वेक्टर इज आई कैप। एंड व्हाट इज द ओ बी वेक्टर, सो वी हैव थ्री अपॉन टू जे कैप। एंड व्हाट इज द ओ सी वेक्टर, वी हैव टू के कैप। इधर ये दो हो गया, ये आपके पास में थ्री अपॉन टू ये। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी, सो वॉल्यूम आपके पास में क्या आएगा, सिंपल, सो वन अपॉन सिक्स, सो वन अपॉन सिक्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स, ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर, ये इनका क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है वन अपॉन सिक्स, सो यहाँ से आई थ्री अपॉन टू जे एंड टू के कैप, इनमें जो कोफिशेंट है वो बाहर आ जाएंगे, दैट विल बी हेयर। तो आपके पास है वन अपॉन सिक्स एंड थ्री अपॉन टू इंटू टू, ओके। आई जे के कैप, आई जे के कैप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू वन, सो दैट विल बी हैव वन। सो यहाँ पे आपके पास में आंसर क्या बना, सो दिस इज वन अपॉन टू, सो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज वन अपॉन टू। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू माइनस थ्री फोर फ्रॉम द दिस प्लेन विच इज मेजर पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के पैरेलल मेजर किया गया डिस्टेंस है, ओके। सो आपको पता है देखो इसमें ये प्लेन है, ओके। सो हियर वी हैव दिस पॉइंट इज पी टू माइनस थ्री एंड फोर, तो ये जेड एक्सिस हो गया इधर। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट, अपने को पीएम निकालना है, विच इज पैरेलल टू व्हाट, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 होती है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पीएम, इक्वेशन ऑफ पीएम, ठीक है। तो वो आपके पास में क्या हुआ, तो x माइनस टू अपॉन वन एंड y प्लस थ्री अपॉन, सॉरी ये जीरो, ये जीरो एंड z माइनस फोर अपॉन वन, इस फॉर्म में आ गए। सो पुट दिस इक्वल टू व्हाट, r। सो m के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सो m क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे टू एंड माइनस थ्री एंड r प्लस फोर, ये प्लेन में लाई करता है, दिस पॉइंट लाइज इन प्लेन, क्लियर है। तो देखो अब अपने पास में वो जस्ट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसका देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या सेम है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स। अब ये पॉइंट क्या है, इस पर प्लेन में लाई करता है, प्लेन क्या है, इक्वेशन क्या आपके पास में यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपने इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस थ्री एंड प्लस आर प्लस फोर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ओके। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में ये कितना बन गया, आर इज इक्वल टू बी है, सो यहाँ पे माइनस एट एंड सिक्स दिस इज टू, ओके। तो आंसर निकालने के लिए अब एम के कोऑर्डिनेट के, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए आपके पास है, टू माइनस थ्री एंड दिस इज टू, सिक्स हो गया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एम, तो आपके पास में दैट इज टू। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दोनों लाइंस, ये एक लाइन क्या है, किस फॉर्म में दिया हुआ, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। अब ये लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में दिया है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो इसमें क्या करेंगे अपने, सिंपल पहले क्या है, ये फर्स्ट यू हैव टू टेक द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द दीज टू प्लेन्स। अब वो प्लेन क्या है आपके पास में, इस लाइन के पैरेलल हो तो वो कंडीशन लगाएंगे, हम उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट,
line of intersection of these two planes and which is parallel to this line. उस plane का equation आता ही फिर क्या करोगे, इस line पे जो भी point lie करता है, 0 0 0 lie कर रहा origin है, so उस point का जो origin का distance निकाल लेंगे उस plane से, ठीक है. So equation of the plane passing through the these two planes that will be 2x plus y plus z minus 1 plus lambda, इस तरीके से 3x plus y plus 2z minus 2 is equal to 0. So this will be here 2 plus 3 lambda x and 1 plus lambda y and 1 plus 2 lambda z. So यहां से minus 1 minus 2 lambda is equal to 0. इस फॉर्म में आ रहा है. अब ये प्लेन क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या आपके पास है, 1 1 1 1. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन एंड दिस लाइन इक्वल टू 0. जब लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल होती है. तो इसमें देखो 2 + 3 1 plus lambda and 1 plus 2 lambda, ओके, ये इक्वल टू 0. तो यहां से आपके पास में दिस इज 6 lambda एंड 3 4, सो दिस वी हैव 4, सो lambda इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन, सो दिस वी हैव 4 माइनस 2 अपॉन 3. इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है. तो 6 lambda एंड इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है ना, तो वो क्या है, माइनस 2 अपॉन 3 आ गया. अब अपने पास में देखो प्लेन का इक्वेशन क्या बना, यहां पे वैल्यू डालते हैं तो देखो ये आपके पास में 0, सो यहां रखा तो ये कितना हुआ y अपॉन 3, यहां रखेंगे तो माइनस 4 अपॉन, जिससे माइनस z अपॉन 3, एंड इसकी वैल्यू जब इसमें डालोगे तो 4, ये 4 हो जाएगा, तो माइनस दिस इज 1 अपॉन 3, ओके. सो द प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया. ये प्लेन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, ओके. आप इसको चेक भी कर सकते हो. तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में क्या है, 1 0 1 -1 है, और इस लाइन के 1 1 1, उनके क्या है डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 आ रहा है, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना. सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन. तो नाउ इस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है ओरिजिन है, वो उसका इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो व्हाट विल द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन. सो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन 0 0 0 विच लाइंग ऑन दिस लाइन फ्रॉम दिस प्लेन, दैट विल गिव द मिनिमम डिस्टेंस. वो मिनिमम डिस्टेंस देगा, तो 1 अपॉन क्या आ रहा है, तो 0 0 0 इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन रूट 2. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 1 अपॉन रूट 2, तो फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द पॉइंट 1 1 1 1 ऑन द लाइन इज 13. सो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर. अब देखो इस लाइन पे क्या है, एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, उसका 1 1 1 से डिस्टेंस कितना आपके पास में 13 है. सो आपको फिर उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं. देखो अब अपने पास में ये लाइन है, इस पे देखो पॉइंट 1 1 है, ठीक है. अब इस लाइन पे क्या 13 डिस्टेंस पे लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो वो आपके पास में दो तरीके से हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्लियर है. तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास में, 1 ± LR. R क्या है, द डिस्टेंस, 1 ± MR एंड 1 ± NR, ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास में. सो दैट विल बी द टू पॉइंट्स, एक तो इधर मिलेगा, इधर दोनों में से कौन सा इसमें टैली कर रहा है वो देख लेंगे. एल एम एन आर क्या है, डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ दिस लाइन. आपके पास में 3 अपॉन कितना आ रहा, 13, तो आपके पास में देखो 1 ± सो दिस विल बी 3 अपॉन 13, ये 13 हो जाएगा, तो आपके पास में इधर क्या आएगा 3, और इधर आपके पास में क्या आ रहा है 1 ± सो 4 अपॉन 13 आएगा, 4 अपॉन 13, 13 से 13, ये 4, सो इधर क्या आएगा 1 ± तो इधर क्या आएगा 12, ठीक है. वो 12 अपॉन 13 13, आर आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 13, ठीक है. यहाँ से एक बार प्लस का ले लो 4 5 एंड 13, एक आपके पास में -2 -3 एंड -11, तो कौन सा पॉइंट इसमें देख लो आपके पास में ऑप्शन में मैच कर रहा है. सो दिस ऑप्शन इज ओके. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी आई हैव द थर्ड वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन पी वन हैज द इक्वेशन, एक प्लेन P
P1 का इक्वेशन आपके पास में ये है एंड द प्लेन P2 हैज द इक्वेशन दिस वन. इफ द एंगल बिटवीन द दीज टू प्लेन्स इज पाई बाई थ्री देन वैल्यू ऑफ एन. तो आपके पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू a1a2 plus b1b2 plus वो वाला फार्मूला लगा देंगे. सो बट वी हैव द कॉस थीटा, कॉस थीटा इज पाई बाई थ्री. सो वी हैव यहाँ से 2 minus n plus 2. ओके, नीचे आपके पास में क्या आ रहा है 4 plus 1 plus 1. इधर नीचे क्या हुआ 1 plus n square plus 4. ये अब यहाँ पे पाई बाई थ्री इसकी वैल्यू अपने पता है 1/2 है. ओके, तो इसको सिंपलीफाई करें तो 4 minus n. सो दिस वी हैव यहाँ पे √6 और ये n square plus 5. ओके, तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास में देखो ये कितना बन गया 6n square plus 30. और इधर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास में 4n square minus 8n plus 16 इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 2n square and minus 32n. सो दिस वी हैव 64 एंड माइनस 34 आ रहा है, माइनस 34. इधर से देखो आप इधर ला रहे हैं ना, तो इसमें देखो आपके पास में प्लस का 32 आ गया, ये माइनस का 34. ओके, 2 से डिवाइड हो रहा है, n square plus 16 n minus 17. तो n की वैल्यूज क्या क्या आ गई, -17 and 1. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सो फोर्थ ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, में कंसीडर ए प्लेन x + y - z = 1 एंड द पॉइंट a 1 2 -3. द लाइन l हैज द इक्वेशन, लाइन l का इक्वेशन आपके पास में ये गिवन है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b ऑफ लाइन l सच दैट द ab इज पैरेलल टू द प्लेन. तो लाइन क्या है वो इस प्लेन के, ab इज पैरेलल टू दिस प्लेन. तो b के कोऑर्डिनेट निकाल लें. तो b के कोऑर्डिनेट के लिए पहले आप देखो इस लाइन पे पॉइंट ले लेते हैं. तो पॉइंट इस लाइन पे बी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे आपके पास में, ये आर के इक्वल है. सो 3r + 1 ये मैंने लेट कर लिया. सो -r + 2 एंड 4r + 3 ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए. ओके, ये बी के कोऑर्डिनेट ले लिया. नाउ व्हाट आर दी, सो ए बी, अब ए बी इज पैरेलल टू, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो ले लो, डी आर ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी. सो वी हैव हियर, सो 3r यहाँ से, सो ए बी का बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में 3r + 1 एंड -r + 2 एंड 4r + 3. सो नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ए बी, सो ए बी के डायरेक्शन रेशियो ले लिया आपने पास में, देखो क्या आ रहा है, इसमें से सबट्रैक्ट कर दें. सो दिस इज 3r एंड -r एंड दिस इज 4r + 6. अब ये पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, इस प्लेन के. सो जब लाइन कोई पैरेलल के मतलब प्लेन के पैरेलल होती है तो क्या होता है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें देखो आपके पास में 3r इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके 3r, सो -r एंड -4r + 6 इज इक्वल टू 0. यहां से r की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हुआ आपके पास में -5r, दिस इज -2r एंड यहाँ पे -6 हुआ. ओके, r की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई. ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हुए, b के कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसमें रखोगे माइनस कितना मिल रहा है, -8 एंड -3 5. ओके, सो यहाँ से -12, सो 3 -9. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, -8 5 -9. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑफ पॉइंट ए ऑफ द मतलब ए डैश इज क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ए डैश ऑफ द पॉइंट ए, ए डैश क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गया ऑफ पॉइंट ए विद पोजिशन वैक्टर 1 2 3. तो ए के पोजीशन वेक्टर आपके पास में 1 2 3 है. ठीक है, ऑन द प्लेन 3x - y. एक्चुअल में है क्या आपके पास में, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ रहा है. देखो ये पॉइंट आपके पास में ए क्या है, 1 2 3. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू ऑन दिस प्लेन, ये
ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखो आपको सिंपल सा पता है, इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं x माइनस वन अपॉन थ्री, तो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर निकालना है, सो y माइनस टू अपॉन माइनस वन एंड z माइनस थ्री अपॉन फोर, क्लियर है। माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस प्लेन में रखें तो क्या आ रहा है आपके पास में, देखो सो थ्री माइनस टू एंड प्लस ट्वेल्व, ओके सो अपॉन में ये नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स आ रहा है। सो यहाँ से आपके पास में एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन, इस तरीके से आ रहा है, तो जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। सो वी हैव यहाँ से आपके पास में थर्टीन, थर्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स माइनस वन अपॉन टू मिल रहा है, ओके okay? यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस थ्री अपॉन टू, सो माइनस थ्री अपॉन टू एंड एक्स माइनस वन, तो माइनस थ्री अपॉन टू, यहाँ से वैल्यू निकालो, ये कितना आ रहा है, माइनस वन अपॉन टू आ रहा है, सो दिस वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। ऐसे फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन अपॉन टू दैट इज फाइव पॉइंट टू वाई, फाइव अपॉन टू वाई की वैल्यू हमारे पास में फाइव पॉइंट टू एंड माइनस फोर अपॉन टू, सो माइनस दैट इज माइनस टू, माइनस टू एंड ये फिर आपके पास में वन आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू वन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, वी है सो कौन कौन से कोऑर्डिनेट इसमें, देखो माइनस वन अपॉन टू एंड फाइव अपॉन टू एंड वन, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है, तो अपने पास में यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब इस तरीके से आपके पास में ये दोनों प्लेन्स क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, ओके अब इसके पैरेलल ये दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विच इज, अब इसके पैरेलल कोई एक लाइन ऐसी आएगी, अब इसके पैरेलल जो आपके पास में इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, सो नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ, एन वन वेक्टर, सो दैट इज आई माइनस जे प्लस के कैप एंड एन टू, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दोनों का नॉर्मल का, क्लियर है, दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, वो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा, फिर उसके पैरेलल आपने कोई क्या यूनिट वेक्टर निकालना है, सो एन टू वेक्टर वी हैव हियर टू आई प्लस जे माइनस थ्री के कैप, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास में आई जे के एंड हियर वन माइनस वन, वन टू वन माइनस थ्री, ओके सो ये आपके पास में क्या आ रहा है, थ्री माइनस वन दैट इज वी हैव टू आई, ओके तो माइनस टू माइनस माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव एंड प्लस का फाइव जे आएगा, फाइव जे, सो नाउ टू वन प्लस टू दैट इज थ्री के, अब नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, तो क्या आएगा आपके पास में, सो एन कैप, सो इसका टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के कैप अपॉन रूट थर्टी, तो देखो ट्वेंटी फाइव नाइन थर्टी फोर रूट थर्टी एट, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपके पास में द इमेज ऑफ द पॉइंट सेवन माइनस वन टू इन द लाइन, तो इस पॉइंट का अपने को इमेज निकालना है इस लाइन में, ओके तो कैसे अपने देखो इसमें इमेज करेंगे फाइंड आउट, ये लाइन है y माइनस फाइव अपॉन थ्री जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव, ओके सो ये पॉइंट आपके पास में P पॉइंट है सेवन माइनस वन टू, अब इसका इमेज फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P का,
तो पहले अपने क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन दिस लाइन, तो अपने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एम के। तो एम के कोऑर्डिनेट मिलते ही फिर आप क्या करोगे, इसका इमेज क्या है यहाँ पे आएगा, ठीक है पी वन, इसका इमेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इस पे पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। देखो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सो हियर वी हैव आर प्लस नाइन एंड थ्री आर प्लस फाइव एंड फाइव आर प्लस फाइव, ओके। सो डी आर ऑफ पी एम, तो पी एम की डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास में, तो सो हियर वी हैव आर प्लस टू एंड थ्री आर प्लस सिक्स, इसके डी आर पी एम की, सो यहां से फाइव आर प्लस थ्री, ऐसा हो गया। अब अपने पास में पी एम इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा आपके पास में, सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू जीरो, सो आर प्लस टू एंड थ्री थ्री आर प्लस सिक्स, ठीक है फाइव फाइव आर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो नाइन प्लस ट्वेंटी थर्टी फोर, थर्टी फोर थर्टी सिक्स आ रहा है, थर्टी सिक्स आर। तो सिमिलरली अपने पास में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिफ्टीन एंड दिस इज एटीन थर्टी थ्री, सो हियर वी हैव एटीन प्लस फिफ्टीन थर्टी थ्री, थर्टी थ्री प्लस टू यहाँ पे, तो इसमें देखो 25 एंड 9 34 एंड 35 आ रहा है ना, 35 है ये, तो 35 यहां से r प्लस टू, ओके सो दिस वी हैव 35 r प्लस 35, सो दिस इज जीरो, r इज इक्वल टू बी है माइनस वन, r की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। तो अब अपने को देखो m के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, m के कोऑर्डिनेट क्या हुए आपके पास में, 8 एंड दिस इज टू एंड दिस इज जीरो, ओके okay, इस के अभी पी वन के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके ट्वाइस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वन, तो इसके ट्वाइस 16 माइनस 7 दैट इज 9, इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 दिस इज 5 एंड माइनस 2, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 9 5 माइनस 2, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो आपके पास में क्या है, इफ द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दीज टू पॉइंट्स, तो एक प्लेन है ऐसा, वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपने को मिड पॉइंट निकाल लेना है अपने इसका, मिड पॉइंट वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ओके तो जब इसका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सो मिड पॉइंट ऑफ दिस वी हैव, सो दैट इज टू 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 टू, तो दिस मस्ट सेटिस्फाई द दिस प्लेन, तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ डी, तो इसको आपके पास में डी में रखें, इसमें क्या आएगा आपके पास में 6 प्लस डी, ओके इक्वल टू 0, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखोगे ना, तो 6 प्लस, तो डी इज इक्वल टू बी है माइनस 6, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन बी है द सेकंड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विद दिस दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट करती हूं, तो उसके लिए देखो आप क्या करें, इस लाइन पे पॉइंट लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेंगे उस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट करती हैं, तो देखो इस लाइन पे क्या पॉइंट लेट करते हैं, जैसे ए पॉइंट लेट कर लिया, सो दिस वी हैव आर प्लस टू, आर के इक्वल रख कर ना, सो हियर वी हैव टू आर प्लस नाइन एंड थ्री आर प्लस थर्टीन, ओके। अब अपने 3R प्लस 13, अब ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस, तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन आल्सो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें रखेंगे तो देखो आपके पास में R प्लस 2 माइनस ए अपॉन माइनस 1 एंड 2R प्लस 9 दिस इज प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2 एंड 3R प्लस 15 माइनस 3, इसको सॉल्व कर ले, आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, सो माइनस 6 आर माइनस 6 एंड 6 आर एंड दिस इज 30, ठीक है सो ये माइनस 12, तो आर इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, ठीक है तो आर की वैल्यू आप माइनस 3 इसमें रखो एंड सिंप्लीफाई करो, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस ए
अपॉन माइनस वन, इसमें जब आप रखोगे माइनस थ्री तो माइनस सिक्स हो गया, माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर, माइनस दिस इज माइनस टू, ओके। सो यहाँ से आपके पास है माइनस वन एंड माइनस ए एंड दिस भी है माइनस, ये प्लस का टू हो गया, सो ए इज इक्वल टू भी है माइनस थ्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हेयर भी है माइनस थ्री, ओके। सो ऑप्शन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी हैव द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एम फोर बीच दी दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू, ये एक आपके पास में जनरल फॉर्म में दे रखा है लाइन का, लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में, इज पैरेलल टू द दिस प्लेन। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, ठीक है। अब वो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालकर आपको पता है दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस, यू नो कोई अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो अपने लाइन की डायरेक्शन रेशियो ए बी सी लेट कर लेते हैं अपने, देखो तो दैट लाइज इन बोथ द प्लेन्स, सो वी हैव थ्री ए माइनस टू बी एंड सी इज इक्वल टू जीरो, सो फोर ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो यहाँ से अपने देखो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे माइनस एट एंड प्लस थ्री तो माइनस फाइव, ओके। बी अपॉन जिसमें ट्वेल्व, यहाँ पे आपके पास में इसमें नेगेटिव होता ना तो ये आपके पास में माइनस एट, सो ट्वेल्व इधर से फोर माइनस एट एंड सी, सो वी हैव माइनस नाइन, माइनस नाइन एंड प्लस एट, सो दैट इज माइनस वन, ओके। तो अपने पास में इस लाइन्स की डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई आपके पास में, माइनस फाइव माइनस एट माइनस, और यू कैन राइट ऑन द फाइव एट वन, ओके। सो आपके पास में लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, इस फॉर्म में लिख लिया। अब वो लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, जब इस लाइन, जब लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगी तो यू मस्ट हैव द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, टेन एंड माइनस एट एंड प्लस एम, ओके। सो एम इज इक्वल टू भी है माइनस टू, एम की वैल्यू आपके पास में माइनस टू आ रही है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है माइनस टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फ्रॉम द पॉइंट पी एफ जी एच, पी के कोऑर्डिनेट एफ जी एच हैं, तो परपेंडिकुलर पी एल पी एम बी ड्रॉन टू द वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स। तो पी एल पी एम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा किए गए ऑन विच प्लेन, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। अच्छा अब आपके पास है जब वाई जेड प्लेन पे आप क्या है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो मेरे को ये बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा इन वाई जेड प्लेन। सो आपके पास में एल के कोऑर्डिनेट क्या हुए, जीरो जी एच ये रहेगा, एंड नाउ पी एम इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन जेड एक्स, जेड एक्स पे तो आपके पास में वाई जीरो हो जाएगा। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एफ जीरो एच, ये इस तरीके से आ गया। अब यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ओ एल एम, तो ओ एल एम का आपको इक्वेशन निकालना, सो व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ एल एम, एक्स वाई जेड एंड दिस वी हैव जीरो जी एच एंड एफ जीरो एच इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट्स, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। यहाँ पे आपके पास में प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो जी एच एक्स एंड भी है तो आपके पास में माइनस एफ एच प्लस एफ एच आएगा वाई एंड जेड वी हैव हियर माइनस जी एफ, ठीक है, जेड इज इक्वल टू जीरो। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई एफ जी एच, एफ जी एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन एफ, ठीक है, वाई अपॉन वट जी एंड माइनस जेड अपॉन एच, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी हैव फर्स्ट ऑप्शन। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ एल एम इज एक्स अपॉन एफ प्लस वाई अपॉन जी प्लस माइनस जेड अपॉन एच इज इक्वल टू जीरो, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो आपके पास में क्या है, दी प्लेन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो मेक्स एन एंगल, ठीक है, मेक्स एन एंगल, एन एंगल साइन इनवर्स के विद द एक्स एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, तो आपको पता है जेड एक्सिस के
डायरेक्शन रेशियोस 100 होते हैं, क्लियर है? सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द, सॉरी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो वी नो द 100. सो एंगल बिटवीन द प्लेन एंड एक्स एक्सिस इज साइन अल्फा. सो साइन थीटा ले लो या अल्फा लेट कर लो, तो साइन थीटा लेट कर लिया यहाँ पे से थीटा. ओके, सो दैट विल बी, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस इज बी 100. ओके, अब इसमें देखो फार्मूला लगाएंगे, 2 अपॉन विल बी, दैट विल बी अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36. सो दिस वी हैव थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अपॉन 7. ओके, तो इसको कंपेयर करना है किसके साथ में, साइन इनवर्स के. सो के कितना आपके पास में, के इज इक्वल टू भी है 2 अपॉन 7. ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 4th ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेन्स, ये प्लेन दिया आपके पास में, x इज इक्वल टू सी वाई प्लस वाई जेड एंड y इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स एंड z इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई पास थ्रू द सेम लाइन. सो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी. सो ऑल द थ्री प्लेन्स पासिंग थ्रू द वन लाइन, इट मीन्स दे आर हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो उनके क्या आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. तो उस कंडीशन में जब आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, तो मतलब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो गया, तो आपके पास में इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू आपके पास में जीरो आएगी. द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द दीज थ्री प्लेन विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द ऑल द थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट ए वन लाइन. तो देखो आपके पास में क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनी कोफिशिएंट से, आपके पास में यहाँ पे 1 c माइनस बी इस फॉर्म में आएगा एंड हेयर वी हैव सी एंड माइनस 1 एंड ए इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, ये फिर नेक्स्ट वन भी है b एंड a माइनस 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस c, ओके माइनस c एंड माइनस ए बी ऐसे ही आएगा. ये आपके पास में प्लस का सी हो गया, माइनस सी माइनस ए बी एंड सिमिलरली वी हैव माइनस बी एंड ए सी एंड माइनस प्लस का बी हो गया. ठीक है, अब इसको इक्वल टू जीरो. सो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ए स्क्वायर ये माइनस का, सो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है. राइट हैंड साइड में ले जाओ प्लस 2 ए बी सी प्लस 2 ए बी सी. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 1. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 111 एंड परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन. ठीक है, उस प्लेन का अपने पास में जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 1 1 से, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है, उसका अपने को प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है. तो एक्चुअल में अपने को पता है कोई भी अगर प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो होती है वही प्लेन के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होगी. देखो ऐसा है, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई प्लेन के, अब ठीक है ना, तो इसका नॉर्मल भी इसके पैरेलल ही होगा. सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, क्लियर है, वही रहेगी. तो अब इसमें देखो मेरे को इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, अपने प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी हियर वी हैव सो 3x-1 एंड 0y-1 एंड लास्ट में क्या आएगा 4z-1 इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी हैव हियर दिस इज 3x प्लस 4z ओके -7 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, सो दैट वी हैव डिस्टेंस क्या आएगा आपके पास में, वही आंसर निकालना है अपने को. ठीक है, तो दैट इज 7/5 यही आ रहा है, क्लियर है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द थर्ड ऑप्शन.
The next question. The line x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 1 upon minus 1 intersects the curve. इस curve को intersect करती है in xy plane. अब अपने को ये पता है, we know that the in xy plane the z coordinate of all the points is 0. 0 होता है. ठीक है, तो इसमें अपने क्या है, सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट जहाँ पे अपने को क्या है इंटरसेक्ट द कर्व, ये कर्व उसमें एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो जहाँ पे ये लाइन क्या है उसको एक्स वाई प्लेन को कट करेगी, तो वहाँ पे उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा. तो अपने देखो इसमें क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, वाई प्लस वन अपॉन टू एंड जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू व्हाट वी हैव आर. सो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से जेड कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपके पास, माइनस आर प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन. ठीक है, अब अदर पॉइंट क्या हुए आपके पास में, यहाँ पे वन रखोगे तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फाइव आ रहा है. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वी आर गेटिंग हेयर फाइव. ठीक है, वन रखा तो आपके पास में तो वाई कितना आ रहा है, वन. तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द दिस कर्व इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे कट कर रही है, तो क्या आएंगे पॉइंट आपके पास में, फाइव वन कोमा जीरो. क्लियर है, दिस पॉइंट लाइज ऑन व्हाट, ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो आपके पास में क्या आएगा, फाइव इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो सी इज इक्वल टू भी है प्लस माइनस रूट फाइव. ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है बेटा इसमें, है ना. तो जो सेक्शन बी है आपका, तो डिस्टेंस ऑफ द जेड एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ द जेड एक्सिस फ्रॉम द इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ द पॉइंट, इसका इमेज निकालना पहले. ठीक है, तो उसके इमेज का आपको जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है. तो देखो पहले अपने इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली भी है, सो इमेज ऑफ पॉइंट एम, सो एक्स माइनस टू अपॉन वन एंड वाई प्लस थ्री अपॉन माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, सो हियर वी हैव टू एंड प्लस सिक्स एंड माइनस थ्री प्लस वन अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, सिक्स आएगा. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में ये कितना हुआ, थ्री 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 सिक्स एंड दिस इज माइनस टू. सो अपने पास में इमेज क्या आ गया इस पॉइंट का, देखो इमेज तो इसको माइनस टू लेंगे तो आपके पास में दैट इज जीरो, जीरो आ रहा है एक तो. ठीक है, फिर टू दिस वन एंड हियर भी है फाइव. ओके, ये इमेज आ गया किस पॉइंट का, एम वन ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास में, जीरो 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 वन जी, मतलब इस पे क्या आएगा आपके पास में, द पॉइंट लाइंग कोरस्पोंडिंग टू दिस ऑन जेड एक्सिस दैट विल बी जीरो जीरो फाइव. तो उसका उससे डिस्टेंस क्या आएगा आपके पास में, तो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस दैट विल बी अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वेयर. सो आंसर भी है दिस वन. सो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस टू थ्री को वन फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट विच मेक्स इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव, पॉजिटिव है यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री पी स्क्वायर. एक लाइन है, क्लियर है, सो उसका द पी पॉइंट ए है आपके पास में पॉइंट ए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट विच मेक्स द इक्वल एंगल विद द ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोई लाइन जब आपके पास में तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, तो इट्स डायरेक्शन रेशियोज विल बी वन 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 वन.
और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, तो अपने डायरेक्शन रेशियो उसकी वन 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 ले लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई फिर आपके पास में, एक्स प्लस थ्री अपॉन वन, वाई माइनस फाइव अपॉन वन एंड जेड माइनस टू अपॉन वन. ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट ए का फ्रॉम दिस लाइन. तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट आपका क्या है, इधर आपके पास में ए माइनस टू थ्री कोमा वन, और इधर आपके पास में ये पॉइंट बी इधर है. सपोज करो दिस इज नॉट जस्ट बिलो दी दिस पॉइंट ए, तो इस पॉइंट आपके पास में ये है माइनस थ्री फाइव कोमा टू. ओके, अब अपने को इसका ए बी का प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, किस पे, इस लाइन पे. तो ये लाइन बी सी इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा. ए बी आपके पास में क्या आ रहा है, ए बी वी हैव हियर, ए बी अपने निकाल के रख लेते हैं, दिस इज वन एंड प्लस फोर एंड प्लस वन, दिस इज रूट सिक्स. ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए बी, ए बी ऑन गिवन लाइन. तो प्रोजेक्शन क्या होगा इसका आपके पास में ए बी का इस गिवन लाइन पे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए. इसके आपके पास में देखो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, फिर आपके पास में दिस इज माइनस थ्री, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस वन, वो देख लेते हैं जो भी आ रहा है. सो प्रोजेक्शन क्या आएगा फिर आपके पास में बी सी, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री. ठीक है, सो दिस वी हैव माइनस माइनस टू प्लस थ्री इस तरीके से, फिर थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव माइनस टू हुआ अपॉन में रूट थ्री. ओके, सो नाउ दिस वन माइनस टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री. सो यहां पे आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन दैट भी है माइनस टू अपॉन रूट थ्री, तो ये आपके पास में वन माइनस टू अपॉन रूट थ्री. ओके, ये बी सी आ गया आपके पास. तो प्रोजेक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसको अपने प्लस में ले लेते हैं, तो मॉडुलस सो टू अपॉन रूट थ्री. ओके, अब अपने पास में ये बी बी सी पता लग गया, टू अपॉन रूट थ्री आ गया. सो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, सो व्हाट इज द ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर वी हैव इक्वल टू व्हाट, सो सिक्स माइनस फोर अपॉन थ्री. ओके, सो दिस वी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास में किसके इक्वल है, पी, पी वी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, तो अब अपने पास में यहां पे सो दिस विल बी है 14 अपॉन 3, दिस इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आ गया. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, 3 पी स्क्वायर. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 14. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर हैव द पोजिशन वैक्टर्स, पी क्यू आर के पोजिशन वैक्टर्स गिवन है अपने को ना, तो इसमें रिस्पेक्टिवली रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पी फ्रॉम द प्लेन ओ क्यू आर. तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है, थ्री माइनस टू माइनस वन, एंड क्यू के वन थ्री फोर ऐसे है, एंड आर के आपके पास में क्या है, टू वन माइनस टू. सो दैट प्लेन पासिंग थ्रू द व्हाट पॉइंट, एक तो क्यू से पास हो रहा है, आर से और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डायरेक्टली. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा आपके पास में, एक्स वाई जेड, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट्स. सो यहां से आपके पास में वन थ्री फोर, टू वन माइनस टू. ओके, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुआ फिर आपके पास में, माइनस सिक्स माइनस माइनस टेन एक्स, एंड दिस भी है माइनस टू माइनस आपके पास में, तो ये प्लस का टेन वाई, एंड दिस भी है माइनस फाइव, वन माइनस तो माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो अब अपने को देखो आपके पास यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी हियर, तो टू एक्स माइनस टू वाई एंड प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. नाउ सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम दिस प्लेन, तो क्या आएगा आपके पास में डिस्टेंस, तो यही तो निकालना है अपने को ना, तो इसमें इस पॉइंट पी का इससे डिस्टेंस निकालना है. तो देखो क्या आएगा आपके पास में डिस्टेंस, सो वी हैव सिक्स प्लस फोर एंड माइनस वन टेन.
अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास में, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, 6 प्लस 4 तो माइनस का 1, सो दिस वी हैव 9, हियर वी हैव इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो 3 हो गया, सो दिस वी हैव इक्वल टू व्हाट 3, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ द पॉइंट ए टू माइनस 9 लैम्डा एंड लैम्डा बी क्या है, लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन, सो विच कंटेन्स द, एक प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को रखता है, क्लियर है. अब ये पॉइंट्स क्या है, उस प्लेन के अपोजिट साइड में है, सो इट व्हाट डज इट मीन, सो ये दिस इज द प्लेन, वन पॉइंट इज लाइंग हेयर, अदर पॉइंट इज हेयर, ए इधर है ये बी इधर है, अपोजिट साइड में है. सो पहले फर्स्ट अभी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द दीज टू लाइन्स, ठीक है, तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स प्लस 1 वाई माइनस 3 जेड प्लस 2, ओके, सो यहां से माइनस 3 एंड 2 1, इसको वाई माइनस 7 करके लिखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा ना, तो इसमें देखो आपके पास में 1 माइनस 3 डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन दिस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास में 4 प्लस 3, सो दिस इज 7 एक्स प्लस 1, ओके, सो वाई माइनस 3, सो दिस इज माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, सो एक माइनस इसका आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा वाई माइनस 3, सो हेयर वी हैव 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके, तो यहां से 7 तो हटा दो यहां से, आपके पास में प्लेन क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड वी हैव, सो ये आपके पास में प्लेन का इक्वेशन आ गया. अगर ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन के अपोजिट साइड में है, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस प्लेन में रखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज वैल्यूज मस्ट बी लेस देन 0, तो उनके क्या ये वैल्यूज रखने के बाद में जो उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट क्या मस्ट बी लेस देन 0, तो देखो आपके पास में 2 माइनस 9 एंड प्लस लैम्डा, ये अपोजिट साइड में लाइक करते हैं तो देखो फिर लैम्डा माइनस 4 दिस मस्ट बी लेस देन 0, ओके, सो लैम्डा माइनस 7 एंड लैम्डा माइनस 4 लेस देन 0, सो लैम्डा वेरीज फ्रॉम 4 टू 7, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी आपके पास में, यर 6, ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6. द लास्ट क्वेश्चन बेटा, तो लेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी बी, तो अपने को देखो इनके पोजिशन वेक्टर अपने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 2, ये आपके पास है 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 1, ओके, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास में 2 1 1 1, ऐसे अगर अपने पास में अगर कोई 3D में तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं, मतलब साइकिल 1 1 2 फिर 1 2 1 2 1 1, तो इट मींस दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंट द वर्सेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्सेस होंगे वो, ये ध्यान रखें. अब देखो इसमें लेट L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर, यू नो द इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर इन सेंटर दे लाई ऑन ए वन पॉइंट, सेम पॉइंट कंसाइड करेंगे. अब अपने पास में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, अब देखो इसमें करेंगे कैसे, ये पॉइंट ए हो गया, ए क्या है 1 1 2, सो बी के कोऑर्डिनेट आपके पास में 1 2 1, एंड दिस ऑर्थो सेंटर ये हुआ आपके पास में, ओके, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में 2 1 1, तो बी सी की लेंथ निकाल लो, सो लेंथ ऑफ बी सी बी हैव इक्वल टू व्हाट, सो ये आपके पास में क्या आ रहा है, सो इधर रूट टू आ रहा है, ओके, ये BC की लेंथ आ गई. अब इसमें देखो एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू ऑल द साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ L1 L2 L3, तो अपने ये एक फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से, ओके, सो ये BC पे हो गया, L2 हो गया, L2, सो दिस एंगल यू नो द हेयर 30 डिग्री, सो कैन यू फाइंड आउट द L2 इज नथिंग, दिस इज
इसका हाफ आपके पास में क्या आएगा, जैसे बी एम क्या हो गया आपके पास में, ये इस पॉइंट को एम ले लेते हैं, सो बी एम विल बी हेयर बी हैव 1/√2, ठीक है, सो एल टू विल बी इक्वल टू नथिंग, दिस इज बी एम इंटू टेन 30, टेन 30 डिग्री होगा, सो टेन 30 यू नो 1/√6, दिस इज 1/√6, ठीक है, सो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड सेंटर दे विल ऑल लाई एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स, सो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3, तो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपके पास में किसके इक्वल आया, 1/√6 के, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू डालेंगे, तो देखो 4, सो दिस विल बी 3/√6 होल स्क्वायर, ठीक है, तो इधर आपके पास है 4, दिस इज 9/6, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 3 की टेबल से कटता है ये, तो आपके पास में ये कितना हुआ, 6, आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 6, तो बेटा ये हमने क्या है, मैथ कैम के पेपर नंबर 22 का सॉल्यूशन किया है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ कैम का पी ब्लॉक सेकंड वाला जो है पार्ट, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्रुप 15-18 फैमिली तक, और पहले हमारे पास पी ब्लॉक फर्स्ट वाला पार्ट आया, अब सेकंड वाला पार्ट का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग, तो अल्ट्रा प्योर अपने को नाइट्रोजन किससे मिलने वाली है, तो बच्चों देखो बेरियम एजाइड जो होता है ना, विच गिव द बेरियम प्लस N2, और ये है प्योर नाइट्रोजन, ये प्योर नाइट्रोजन देगा, बाकी जो है आपको ये वाला जो है ये देगा N2, और ये दोनों भी नाइट्रोजन देंगे, लेकिन प्योर नाइट्रोजन आपको इसी में मिलेगी बच्चों, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, इन द फॉलोइंग विच एलिमेंट फॉर्म नाइट्राइड विद द नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन रिएक्शन करती है ना बच्चों, तो वो एलिमेंट के साथ यहाँ क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है, देखिए इसमें फर्स्ट ए में लिथियम जो होता है वो नाइट्राइड बनाता है, सेकंड ए में ऑल एलिमेंट फॉर्म नाइट्राइड, हाँ ये जरूर है कि मैग्नीशियम का जो नाइट्राइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो देखो लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट विद N2 विच गिव Li3N या फिर Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग विच कंपाउंड की द अमोनिया गैस, देखिए बच्चों अमोनिया गैस के लिए जो अमोनियम वाले जो भी सॉल्ट होते हैं वो सब हमको हीट करेंगे तो वे देंगे आपको अमोनिया गैस, ऑल ऑफ दिस ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, तो बच्चों देखो ये एसिडिक ऑक्साइड आपका दिख रहा है प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, बाकी जो N2O है NO है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं और ये CO भी न्यूट्रल है, तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच आर न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन से नाइट्रोजन की उदासीन ऑक्साइड है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था NO और N2, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट।
इन द फॉलोइंग विच रिएक्शन गिव्स ए ब्राउन गैस. देखिए बच्चों, कंसंट्रेटेड आपके पास आ रहा है और कंसंट्रेटेड केस में हमेशा ब्राउन गैस का मतलब है NO2 गैस निकलेगी आपकी, NO2 गैस. तो आयोडीन में आप HiNO3 रिएक्शन कराओगे तो बच्चों ये बनेगा HiO3, आयोडिक एसिड बनेगा. सल्फर में H2SO4 बनेगा आपका. जिंक में जिंक का नाइट्रेट बनेगा और सब में ब्राउन गैस NO2 रिलीज होगी. तो हमारे पास ऑल रिएक्शन आर करेक्ट. इन द फॉलोइंग विच रिएक्शन गिव्स ए फॉस्फीन गैस. फॉस्फीन गैस में यहां पर देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में हम देखें तो हमारे पास में फॉस्फीन गैस आएगी और प्लस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों. फिर सेकेंड रिएक्शन में देखें हम प्रोडक्ट डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉस्फीन गैस आ जाएगी प्लस के आई बन जाएगा और H2 बन जाएगा बच्चों. इसके बाद में यहां भी फॉस्फीन बन गई, यहां पर भी बन रही है. इसमें भी आप थर्ड में भी देख सकते हो फॉस्फीन बनेगी प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2. तो ऑल गिव द फॉस्फीन गैस. फोर्थ आंसर इज करेक्ट. Which product is incorrect? कॉपर सल्फेट फॉस्फीन से रिएक्शन करके कॉपर फॉस्फाइड बनाएगा, करेक्ट है बच्चों. HgCl2 से भी यहाँ मरकरी का फॉस्फाइड बनेगा. फॉस्फीन रिएक्शन करके HBr से फॉस्फोनियम, जैसे अपन पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड होता है वैसे अब फॉस्फोनियम ब्रोमाइड है, ये भी सही आपका आ रहा है. और यहाँ आपके पास में ये गलत प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों, N2 आएगा यहाँ पर. N2 आप वैसे वाटर से भी बैलेंस कर देख सकते हो, H2 बैलेंस कर लिया तो एक ऑक्सीजन आपके पास में वाटर बन जाएंगे यहाँ टू, ठीक है. टू वाटर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन आपके पास एक बचेगा तो N2 लाफिंग गैस बनेगी इसमें. तो फोर्थ आंसर जो आपका इनकरेक्ट आ रहा है. इन द फॉलोइंग विच रिएक्शन गिव्स अ लाफिंग गैस. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था N2 लाफिंग गैस. देखो जिंक की रिएक्शन डायल्यूट HNO3 से कराओगे तो यहां पर आपके पास जो है N2 गैस बनेगी, लाफिंग गैस बन जाएगी. और जिंक की कंसंट्रेट के साथ में कराओगे तो NO2 ब्राउन गैस बनेगी बच्चों. कॉपर की डायल्यूट HNO3 के साथ में कराओगे तो यहाँ NO बनेगी. और P4 की HNO3 के साथ कराओ तो फिर NO2 बनेगी. तो लाफिंग गैस आपकी जो है फर्स्ट में बनेगी. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डिसप्रोपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉलोइंग. जो आपको रिडॉक्स अभिक्रिया उसमें विषमानुपाती विषमीकरण रिडॉक्स पूछ रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और घटेगा. देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है H3PO3 में, यहां बनेगा आपके पास H3PO2 प्लस H3PO4. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया. यहां आपका प्लस 3 है, ये बन गया प्लस 1 और ये बन गया प्लस 5. अभी फॉस्फोरस की रिएक्शन अभी पड़ी थी, फॉस्फीन आ जाएगा यहां पर प्लस NaH2PO2 आ जाएगा. फिर Cl2 की रिएक्शन कराएंगे यहां पर तो Cl2 में बच्चों देखो NaCl बन जाएगा एक तो आपके पास, और एक NaOCl बन जाएगा और NaClO3 भी बन सकता है होट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और डाइल्यूट के और कोल्ड में बनेगा आपका NaOCl. तो ऑल आर करेक्ट आपके आंसर आ जाएगा क्योंकि सभी डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन आ रही है आपके पास. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू. H3PO2 का प्रबल अपचायक व्यवहार का कारण है. देखिए H3PO2 जो होता है ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसमें आपके पास ये जो पीएच बॉन्ड आते हैं, पीएच बॉन्ड
इसके कारण रिड्यूसिंग नेचर होती है. तो प्रेजेंस ऑफ टू पीएच बॉन्ड, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक करेक्टर इज, देखिए SO3 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका 6, ये 4 आ गया तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया. हम जनरली कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है एसिडिक करेक्टर. N2O5 में भी बच्चों प्लस 5 है और ये प्लस 3 है, और N2O3 में देखें नीचे की तरफ जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड की नेचर बढ़ती है. तो ये फर्स्ट जो है आपका एसिडिक आ रहा है. फिर CO जो है CO2 ये गलत आ गया बच्चों, ये आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये यहाँ प्लस 2 में जाता है और ये प्लस 4 में जाता है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर जो होते हैं ना, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट के. एस एस बॉन्ड एंगल इन एसेट रिंग, तो एसेट रिंग का बच्चों ये होता है आपका क्राउन शेप. ये क्राउन शेप आपका, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री के आसपास होता है, और बॉन्ड लेंथ है ये 204 पिकोमीटर के आसपास बॉन्ड लेंथ होती है. तो आपका जो क्राउन शेप है तो बॉन्ड एंगल बच्चों 107, फोर्थ आंसर इज करेक्ट. फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, एस एस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सल्फर, सल्फर बॉन्ड पूछ रहे बच्चों. देखो H2S2O7 ये ओलियम है, इसमें आपके पास SOS लिंकेज आएगा. H2S2O7 जो है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास SOOS परोक्साइड लिंकेज मिल जाएगा, और ये आपके पास है H2S2O6. द थर्ड आंसर आपका करेक्ट जाएगा. H2SO5 है, इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो स्ट्रक्चर. परोक्साइड है ये, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरो एसिड, और एक आपका परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड है ये. तो इसका भी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा. ये लिंकेज आ गया बच्चों इसमें, और H2S2O6 जो है आपको सल्फर सल्फर लिंकेज ऐसे मिलेगा. सल्फर सल्फर बॉन्ड और ऐसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी देख सकते हो आप. ये सारे एसिड की स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हो. तो नेक्स्ट लेते हैं अपन बच्चों. फॉर्म ऑफ सल्फर विच शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों. H2 वेपर जो होती है ना, जैसे हम S8 को हीट करते हैं लगभग 1000 केल्विन के ऊपर, तो यहां H2 वेपर बनती है और इसकी जो नेचर है O2 लाइक होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है. जैसे O2 का हम एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं एंटी बॉन्डिंग में MOT के अकॉर्डिंग, सेम वैसे ही. तो यहां सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका. Which of following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gases product? देखिए H2SO4 की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन के साथ में,
कार्बन का ऑक्सीडेशन करके बच्चों ये CO2 बना देगा और प्लस SO2 गैस, दो गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे आपस और H2 बन जाएगा साथ में, तो दो गैसेस प्रोडक्ट इसी में बनेंगे आपस, जिंक के साथ कराओगे तो ब्राउन गैस, सॉरी केवल SO2 गैस कंसंट्रेट के साथ में, सल्फर के साथ में ओनली SO2, कॉपर के साथ में भी SO2, लेकिन यहाँ आप जब कंसंट्रेट H2O4 कार्बन के साथ कराओगे तो दो गैसेस प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCFC से रिडॉक्स रिएक्शन, ये गलत है क्योंकि HCF6 का रिडॉक्स जो है एक, देखिए जब भी आप HCF6 लेते हो और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, HCO3 बन सकता है या फिर XeOF4 बन सकता है या फिर XeO2F2 बन सकता है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आप 6 मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 6 मिलेगा और यहाँ भी आपको 6 मिलेगा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, आंसर ये फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। लेकिन अपन और ऑप्शन भी चेक कर लें, एक कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है ये सही है, ये पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका, HCO4 एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका फर्स्ट आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज पीपी लिंकेज, किसमें पीपी बंधन है, तो H4P2O6, H4P2O7, देखिए पीपी लिंकेज पूछा है तो देखो यहाँ तो ये तो दोनों मोनो हो गए तो इसमें होगा ही नहीं आपके पास, और ये वैसे ट्राइमर के फॉर्म में रहता है, इसमें POP लिंकेज होता है, तो आपके पास में बच्चों फर्स्ट आंसर आ जाएगा। देखिए पीपी लिंकेज का मतलब है ये पीपी आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये OH, फिर ये OH आएगा आपके पास, इधर OH और ये OH, तो ये हो गया आपके पास H4P2O6, ये आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, तो इसमें POP लिंकेज आएगा। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया आपके पास, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हमारा। अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, बच्चों ऑक्सीडाइजिंग हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO की होगी क्योंकि यहां पर ClO बॉन्ड लेंथ जो है मैक्सिमम है, तो ये HClO जो है ब्रेक होकर के HCl+O दे देगा आपका, तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ClO बॉन्ड लेंथ इसमें मैक्सिमम इसी में मिलेगी आपके, ये नहीं देखना आपको कि भी ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है, बॉन्ड लेंथ देखनी पड़ेगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से जल्दी इजिली ब्रेक होगा। कॉपर प्लस कंसंट्रेट HNO3 प्लस कॉपर नाइट्रेट प्लस पी गैस बन रही, पी गैस कौन सी है, तो कंसंट्रेट के साथ में अभी बताया था आपको मैंने, कंसंट्रेट जब भी आएगा तो आपके पास NO2 गैस बनेगी। द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, एन ये आ गया +1, ये +2, ये आपके पास +3 हो गया है, ये +4 हो गया है, ये +5 हो गया है, तो सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा, मतलब हम कहेंगे कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर।
आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। I25 ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ द CO। सही कथन की पहचान करनी है तो I25 अच्छा ऑक्सीकारक है, इसका आंकलन में किया जाता है, ठीक है स्टेटमेंट बिल्कुल। Cl2 इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ये भी बच्चों करेक्ट है, NCERT का स्टेटमेंट है। OFT इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन और ऑल आर करेक्ट। जैसे O2 F2 अनस्टेबल होता है, OF2 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अमोनियम बिकॉज जलीय विलयन में अमोनियम का निर्माण अमोनियम की तुलना में फॉस्फोनियम निर्माण अमोनियम तुलना में कठिनाई से होता है, क्योंकि द लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस इज द स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। देखो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा तो वो तो फिर इन्वॉल्व हो गए नहीं हमारे पास, और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोनियम आयन क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये जो फॉस्फिन होता है, अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ड्रेगो रूल के अकॉर्डिंग। इसका जो लोन पेयर होता है बच्चों ये प्योर एस ऑर्बिटल में होता है, प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है। जैसे H प्लस है, इसको देने की टेंडेंसी क्या होगी, इसमें कम होगी। तो लोन पेयर ऑफ द फॉस्फोरस रिसाइड इन द ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल, ड्रेगो रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। यहाँ रिसाइड दिया sp3 लिया, गलत लिया है, ऑलमोस्ट द प्योर पी ऑर्बिटल ये भी गलत है। तो लोन पेयर ऑफ द फॉस्फोरस इज द स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, हम ये कह सकते हैं जलीय सॉल्यूशन में होता है बच्चों, लेकिन हम ये कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं उसमें हमारे पास फॉस्फोनियम बन जाता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जो है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि प्योर एस ऑर्बिटल में होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होती है, एच प्लस को कम होगी तो फॉस्फोनियम बनेगा ही कम। NO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय द हीटिंग, तो NaNO2 को आप हीट करोगे तो इसमें ऑक्सीजन गैस बनेगी, NaNO2 बन जाएगा, NaNO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस। AgNO2 को हीट करोगे बच्चों तो ये आपके पास Ag2O प्लस NO2 ब्राउन गैस बनेगी इसमें। इसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो इसमें बच्चों N2O बनता है आपके पास, और इसको हीट करेंगे तो ये N2 गैस बनेगी आपके पास। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। द रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग दैट इंडिकेटेड द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। देखो देखो यहां पर आपका 0 से जा रहा है -3 में, रिडक्शन हो गया। यहाँ आपके पास है N2O4 है तो ये है बच्चों +4 से ये यहाँ पर भी +4 ही आ रहा है, ये तो सेमी ऑक्सीडेशन हो गया, NO2 का डाइमर ही तो है। नाइट्रेट में बच्चों यहाँ +5 आ रहा है और यहाँ पर भी +5 आ रहा है, तो इसमें भी सेम रह गया आपका। यहाँ पर अपन देखा NO2 में तो ये आ गया आपके पास में +3 और इधर बच्चों आ रहा है +5, तो ये ऑक्सीडेशन आपका नाइट्रोजन का हो रहा है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट, NO2 जा रहा है आपका NO3 में, ऊपर वाले में नाइट्रेट जा रहा है N25 में तो वो सेम ही रह गया, N24 वो भी सेम रह गया, ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन, तो ऊपर वाला रिडक्शन है, फोर्थ आपका ऑक्सीडेशन है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन टू गिव, तो ये बच्चों HIO3 आयोडिक एसिड आ गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन साथ भिगा करके देता है HIO3, तो ये हमने बात कर ली। विच रिएक्शन इज इनकरेक्ट, XCF2 H2 से रिएक्शन करके जिनोन दे रहा है, प्लस HF दे रहा है और O2 दे रहा है, ये ठीक है बच्चों करेक्ट है,
HCF 6 है, HCO 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहां पर भी 6 आ रही है। HCF 6 से कम, जैसे फिर और हाइड्रोलिसिस कर O2 F2 भी बन सकता है। फ्लोरीन की रिएक्शन H2 से कराएंगे तो ये बच्चों ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ आपके पास F2 H2 से रिएक्शन करेगा तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा बच्चों, ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ पर और H प्लस और F माइनस। इन ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ये आपके पास गलत हो गया। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज, फॉस्फिनिक एसिड इज द मोनोप्रोटिक एसिड। देखो बच्चों ये है H3PO2, इसका नाम है फॉस्फिनिक, तो मोनोप्रोटिक एसिड है, वेल फॉस्फोनिक एसिड जो है ये है आपका H3PO3, इसको फॉस्फोनिक बोलते हैं। ये डाइप्रोटिक एसिड है, ये मोनोप्रोटिक है। देखिए यहाँ पर दोनों की स्ट्रक्चर देखें अपन, मोनोप्रोटिक हो गया ये, डाइप्रोटिक हो गया ये, इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है। फिर और देखें अगले स्टूडेंट, फॉस्फिनिक एसिड द डाइप्रोटिक, ये गलत हो गया यहाँ पर, और वो था ट्राइप्रोटिक एसिड, ये भी गलत हो गया, डाइप्रोटिक ये भी गलत है। तो फर्स्ट आंसर ठीक है हमारा। डाइपोल मोमेंट द हाईएस्ट 4, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? देखो नाइट्रोजन की ट्राइहैलाइड है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, तो थर्ड आंसर आपका ठीक आ रहा है। देखो ऐसे समझ सकते हैं आप, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर आपके पास आ रहा है, देखिए डायरेक्शन ऐसे आ रही है इसमें, तो ओवरऑल जो वेक्टर आ रहे हैं आपके सब बढ़ते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एन ये थर्ड आ जाएगा। ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म इन द रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन इन द टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट बच्चों, जैसे फेरस सल्फेट होता है आपके पास, इसमें नाइट्रेट आयन मिलाते हुए वाटर के अंदर, तो ये जो नाइट्रेट आयन है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपका NO के अंदर, और ये Fe प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर वाटर में क्या होता है बच्चों, FeH2O 6 प्लस 2 जो होता है वो रिएक्शन करता है NO के साथ में, और विच गिव द FeH2O 5NO SO4, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, नाइट्रेट आयन का टेस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो है, हाइब्रिड sp3 नहीं होना चाहिए, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो अमोनियम CCl4H3O, इन तीनों में देखें अपन, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3 है, लेकिन SF4 के अंदर देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है आपके पास, तो इसका जो शेप आएगा यहां लोन पेयर आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर जो आपका है इक्विटोरियल पर आ जाएगा, लोन पेयर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटोरियल पर आते हैं और हाई इलेक्ट्रॉन के एक्सियल पर चले जाते हैं, अब रिमेनिंग जो बचे वो तो आएंगे, तो ये के शेप हो गया, इसको बोलते हैं के शेप बोल दो या सीसा शेप, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो आप इसको। तो सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट जाएगा।
डाई ऑक्सीजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, डाई ऑक्सीजन किससे नहीं बना सकते? देखो क्लोरेट ले हो, चाहे Pb3O4 ले हो, H2O2 ले हो, इन सब से ऑक्सीजन बना सकते हैं। यहाँ O2 बनेगी आपके पास, PbO2 बन जाएगा, यहाँ आपके पास KCl बनेगा, यहाँ O2 बन जाएगा आपके पास, इधर है यहाँ आपके पास ऑक्सीजन बनेगा, और अब यहाँ पर N2 गैस बनेगी बच्चों। तो फोर्थ आंसर जिससे हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में बच्चों थ्री पार्ट, तो आपके पास कंसेंट्रेटेड HCl होता है, HNO3 का ये वन पार्ट होता है इसका, ठीक है, जिसका यूज क्या होता है, नोबल मेटल को डिजोल्व करने में, गोल्ड और प्लेटिनियम को डिजोल्व करने में करते हैं। तो सेकेंड आंसर आ जाएगा, पहले में 1:3 मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3, लेकिन यहाँ रेशियो देखो गलत दे दिया, यहाँ पर कंसेंट्रेटेड, फिर यहाँ फिर रेशियो गलत दे दिया, ये 1:3 जो है कंसेंट, लेकिन यहाँ बच्चों H2SO4 दे दिया, ये भी गलत हो गया, फिर 2:3 मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl H2O4, तो हमारा सेकेंड आंसर इज करेक्ट। विच करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग देयर प्रॉपर्टी, क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर जो है बच्चों ये इनकरेक्ट हो गया आपका, क्योंकि फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग होता। इलेक्ट्रो एफिनिटी की बात करें तो यहाँ क्लोरीन की ज़्यादा होती, ये भी गलत हो गया आपका। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, उसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी बच्चों यहाँ पर आ जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सी का आपका, तो ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेट इन द फॉलोइंग, गलत सेट आपको इनकरेक्ट देखना, HF HCl HBr HI, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है, सही है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें HF HCl HBr HI, तो बच्चों ये यहाँ पर आएगा सीक्वेंस में बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑर्डर आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट HI का ज़्यादा होता है, फिर HF आएगा, फिर HBr HCl, ये ठीक आ रहा है। HI HBr HCl HBr, बॉन्ड लेंथ जो है HI की ज़्यादा होती है, साइज के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ देखते हैं, बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेकेंड आपका इनकरेक्ट आ रहा है। विच केमिकल इज यूज एज ए होम सिग्नल, होम सिग्नल में बच्चों थर्ड आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड जो होता है, क्योंकि फोस्पिन का जो कम्बशन होता है वेरी स्पॉन्टेनियस होता है, इस वजह से इसका यूज कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और प्लस कैल्शियम फोस्फाइड हो गया CA3P2, इन दोनों का मिक्सचर अपन यूज करते हैं। कैल्शियम ओनली कैल्शियम कार्बाइड लिख दिया, कैल्शियम फोस्फाइड लिख दो, मिक्सचर अपन यूज करते हैं, और ये होगा रीजन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ फोस्पिन गैस। इसमें क्या करते हैं कि अपन इसको थ्रू आउट करते हैं, सी के अंदर समुद्र में फेंकते हैं, तो फिर कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस बनती है, यहाँ से ये बनती है C2H2, और यहाँ से बनती है फोस्पिन गैस, तो ये दोनों से एक स्क्रीन बन जाता है, स्मोक स्क्रीन भी बनता है इसे, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। HCF2 मॉलिक्यूल इज, देखिए सबसे पहले HCF2 को हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, SP3 डीहाइब्रिडेशन हो गए बच्चों, तो इसका जो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये जीनोन रख दिया हमने, फ्लोरीन आपका आ जाएगा एक्सियल पोजीशन पर, लोन पेयर आ जाएंगे इक्विटोरियल पर, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, तो लीनियर आ जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड ऑफ हेलोजन फॉर द स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी में है ना, ये थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, तो NCERT में बिल्कुल दे रखा, आयोडीन है आपके पास, क्लोरीन ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा आयोडीन के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बाई
थर्मोडायनेमिकली, और काइनेटिकली। तो आयोडीन, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन में बात करेंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्लोरीन में होगी, तो क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव आ जाएगा, फिर आयोडीन। इन सॉलिड PCl5 मैक्सिमम डी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन इज द एक्स, देन वैल्यू ऑफ द एक्स विल बी। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, PCl5 बच्चों सॉलिड में क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है PCl6 माइनस PCl4 प्लस, एक कैटाइन में और एक एनायन में। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका है sp3d2 और इधर आएगा sp3, और इधर आपका हाइब्रिडाइजेशन पहले था गैसेस फेज में sp3d। तो यहाँ आपके पास सॉलिड में ये दो डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। एक आयनिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl5 सॉलिड, गैसेस में sp3d होता है हाइब्रिडाइजेशन। इन व्हाट मोलर रेशियो मस्ट जीनोन एंड F2 कंबाइंड टू गिव XCF6। जीनोन तो F2 का कौन सा मोलर अनुपात XCF6 देता है? तो बिल्कुल ये वेल पॉपुलर क्वेश्चन है, 1:20 का रेशियो लेंगे। देखो 1:1 का लेंगे तो ये आपका बन जाएगा XCF2, और इससे बनेगा बच्चों XCF4, और इससे बनेगा आपका XCF6, डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4th। Amongst the hexahalides of the sulfur, SF6 the exceptionally stable due to, मतलब hexahalide में SF6 ज़्यादा stable क्यों है? तो बच्चों इसमें fluorine का steric hindrance कम है, fluorine का size क्या है small है, least steric hindrance आपके पास आ जाएगा, मतलब fluorine का आपके पास size क्या है small size है, इस वजह से ये stable हो सकता है। Question number 42. Which is not correct statement? कौन सा कथन सही नहीं है? इंटर हेलोजन इन्वॉल्व द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये करेक्ट है बच्चों। इंटर हेलोजन में एक्स एक्स डैश जो होते हैं, इंटर हेलोजन होते हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इंटर हेलोजन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोजन्स कंपाउंड्स, ये ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इंटर हेलोजन मोर रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरिन। IFC इन द पेंटागन बाइपिरामिडल, ये करेक्ट है बच्चों। इंटर हेलोजन फॉर्मूला ऑफ एक्स एक्स आर नॉट ऑब्जर्व, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैसे इंटर एक्स एक्स डेस एक्स एक्स थ्री डेस एक्स एक्स फाइव डेस एक्स एक्स सेवन डेस आर पॉसिबल। Which of following oxide oxoacids of the halogen does not exist? कौन सा exist नहीं है? देखिए ज़्यादातर वैसे oxoacid के अंदर बात करें तो HOF जो होता है वो exist होता है, लेकिन particular temperature पर, लेकिन NCERT में दे रखा है HOF, fluorine का एक ही oxoacid जो है वो exist होता है HOF। अब bromine में बच्चों क्या होता है कि HOBRO जो है does not exist। कारण क्या है कि जैसे अपन इसको जब आइसोलेट करते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये ऑक्साइड में और प्लस वाटर वेपर में चला जाता है, ऑक्साइड में और वाटर वेपर में डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए ये हमारे पास क्या होता है एग्जिस्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी का, बिल्कुल वेल पॉपुलर है, तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड द गैसेस एट 298 केल्विन, गैसेस जो है वो बताना आपको। तो देखिए CLF जो होता है ना वो गैसेस स्टेट में होता है, और BRF तो है बच्चों ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये रेड सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये CLF जो होता है वो ओनली एग्जिस्ट एट ए गैसियस स्टेट 298 केल्विन। शेप ऑफ द
O2F2 similar to that of, तो बच्चों ये H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी, H2C2C2H4 ये नहीं है, तो ये हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो बच्चों हम सेक्शन डी के अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आते हैं। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ मेनी रिएक्शंस गिव H2 गैस, कितनी अभिक्रियाएं हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए पहले में कॉपर डायल्यूट HNO3, इसके अंदर बच्चों हमारे पास कौन सी गैस बनेगी, NO गैस बनने वाली है। भी कॉपर का तो नाइट्रेट बन जाएगा, लेकिन हमारे पास NO गैस बनेगी। फिर कॉपर प्लस डायल्यूट H2SO4, इसमें हमारे पास रिएक्शन नहीं होगी। जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें SO2 गैस बनेगी बच्चों। प्लस जिंक प्लस डायल्यूट HNO3, इसमें हमारे पास N2O गैस बनेगी, लाफिंग गैस। आयोडीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इसमें हमारे पास NO2 गैस बनेगी। और Al प्लस NaOH, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 01, आंसर आ जाएगा बच्चों 01। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव द अमोनिया गैस ऑन द हीटिंग, कितने कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस देंगे। देखिए अमोनियम क्लोराइड ये दे देगा आपका, अमोनियम डाइक्रोमेट ये नहीं देगा बच्चों, ये N2 गैस देगा। अमोनियम कार्बोनेट ये दे देगा आपका, अमोनियम सल्फाइड ये दे देगा, ये नाइट्रोजन देगा ये नहीं देगा, अमोनियम ये भी नहीं देगा आपके पास। तो आंसर आपके पास देखिए एक तो ये होगा अमोनियम क्लोराइड, और एक आपके पास में आ जाएगा अमोनियम कार्बोनेट 2 और अमोनियम सल्फाइड 3, तो 03 आंसर आ जाएगा बच्चों, 03 आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड आर द पोलर इन नेचर, क्यों कितने यौगिक ध्रुवीय प्रकृति के हैं। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल 0, ये आपको देखना है, ये होते हैं पोलर। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको चेक करना है कि नॉट इक्वल 0। तो PF2Cl3, एक है PF3Cl2। देखिए बच्चों एक आपके पास होता है, यहां आपके पास आ गया फॉस्फोरस। तो लोन पेयर और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है, तो ये Cl आ गया आपके, ये Cl आ गया, ये Cl, ये फ्लोरीन यहाँ आ गया, ये फ्लोरीन यहाँ आ गया, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो गया आपके पास। इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड नहीं होगा, ये काउंट कर लेंगे पोलर हो जाएगा। फिर आपके पास में ये वाला है कि ये काउंट हो जाएगा, और ये फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएंगे आपके पास में, तो इसका 0 हो जाएगा। और ये एक आपके पास इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन है आपके पास SiH3, ये ऑलमोस्ट प्लेनर होता है बच्चों, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग के कारण, ये बैक बॉन्डिंग कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या हो जाता है, SP2 हो जाता है, तो इसका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा आपके पास। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 02, 02 आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी हमारा नहीं होगा, और ये दो आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, हाउ मेनी रिएक्शंस एग्जिबिट द डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, कितने रिएक्शन डिसप्रोपोनेशन दिखा रही है। तो पहले देखिए H3PO4 है, ये प्लस 5 में चला गया, ये शो नहीं करेगा आपका डिसप्रोपोनेशन। H3PO3 ये शो करेगा आपका, और ये चला जाएगा आपका H3PO4
और प्लस H3PO2। इसके बाद में HNO2 ये रिएक्शन शो करेगा, ये चला जाएगा HNO2 प्लस NO में। इसके बाद में HCF2 ये नहीं जाएगा क्योंकि ये बच्चों जाएगा आपका जीनोन के अंदर ही जाएगा, और प्लस HF में जाएगा ये, और प्लस O2 में जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास HCF4 ये डिसप्रोपोनेशन शो करेगा, ये चला जाएगा जीनोन प्लस HCO3 में जाएगा ये, और प्लस HF। P4 ये चला जाएगा, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पीछे, फॉस्फीन आता है प्लस NaH2PO2 जाएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। फिर क्लोरीन वाला ये रिएक्शन में चला जाएगा, ये है NaCl प्लस NaOCl। फिर Br2 ये भी सेम वही रिएक्शन, NaBr प्लस NaOBr। तो बच्चों देख लो रिएक्शन आपके पास कितनी रिएक्शन होगी, 06। तो 06 इज करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हाउ मेनी स्पीसीज SS बॉन्ड, किस में SS बॉन्ड है आपके पास। देखिए H2O7 में बच्चों SOS लिंकेज होता है, इसमें आपके पास SOOS लिंकेज होता है, बाकी देखिए H2O6 ले लीजिए, H2O3 ले लीजिए, H2OS3 O6 है, फिर हमारे पास H2O5 है, इन सब के अंदर SS लिंकेज है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 04, आंसर हो जाएगा बच्चों 04। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी कंपाउंड पीओपी बॉन्ड्स इन ओड नंबर, ओड नंबर में पीओपी बॉन्ड पूछ रहे बच्चों। तो P2O7 जो है इसके अंदर आपके पास एक ही पीओपी लिंकेज होगा, वन पीओपी लिंकेज है बच्चों, ये पीओपी लिंकेज, तो इसमें वन हो गए एक। तो फिर P6 और O10 और इन दोनों के अंदर देखेंगे तो पीओपी लिंकेज आपके पास सिक्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, सिक्स। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो बाकायदा से, इसके तो मैंने ये तो ड्रॉ कर ही दिया था, इन दोनों का बारे में फिर दोबारा बताता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये फॉस्फोरस आपके पास 1 2 3 4 आ गए बच्चों। अब आपके पास ऑक्सीजन एटम जो है 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक पीओपी लिंकेज ये है और एक ये पीओपी लिंकेज है। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, और जब आप पीओपी लिंकेज की बात करोगे तो ये काउंट कर लेंगे ऐसे अपन, ये वन है, ऐसे ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये आपका फाइव है, और ये सिक्स है, तो 06 आ जाएगा आपका। और जब आपको P4O10 पूछेगा तो डबल बॉन्ड O यहाँ लगा देंगे। तो ये इवन नंबर में आ गया, ओड में नहीं है। फिर P4O12 माइनस, तो ये आपका HPO3 मेटाफोस्फोरिक एसिड जो है इसका टेट्रामर बन रहा है, ये टेट्रामर बन रहा है। देखो बच्चों इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, H4P4O12 आ रहा है, तो ये इसी का एनायन है आपका।
तो इसके अंदर अपन मेटाफॉस्फोरिक एसिड का बना के देख लेंगे स्ट्रक्चर। अपने को चार फॉस्फोरस लेने हैं, ये चार ले लिए हमने। फिर इसके अंदर डबल बॉन्ड ओ माइनस ये, तो हमारे पास बच्चों नेगेटिव तो हो गए कितने, चार नेगेटिव आ गए, 1 2 3 4, फोर नेगेटिव हो गए। और ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो देखिए 12 आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 आ गए, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो अब इसमें अपने को पी ओ पी जो बॉन्ड है वो काउंट कर लेंगे। तो पी ओ पी बॉन्ड आपके पास देखिए यहाँ पर पी ओ पी ये 1 हो गया आपका, फिर ये 2 हो गया है, फिर ये आपके पास ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया है। तो इसमें 0 4 आ जाएगा आपका पी ओ पी लिंकेज। फिर हम पी ओ पी 4 O 13 में काउंट करके देख लेंगे, ऐसे ही इसमें काउंट कर लेंगे। तो ये अभी आपका क्या आ जाएगा, ओ मतलब इवन नंबर में आया, ऑड नहीं आया। अब इसमें और देखेंगे, और इसमें बच्चों पी पी लिंकेज होता है, पी पी लिंकेज, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। और इसके अंदर पी 4 O 13 जो है इसका स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसके अंदर भी हम क्लियर कर सकते हैं इसको। इसका जो है चार फॉस्फोरस ले लीजिए आप ऐसे, आप देखो बच्चों पी ओ पी लिंकेज इसमें आप देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पी ओ पी लिंकेज 3 हो गया। इसमें भी देखो इसमें 0 3 आ रहा है, इसमें आपके पास आ रहा है 0 1, तो ओड नंबर में 2 ही आ रहे हैं, तो आंसर 0 2 हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 0 2। हाउ मेनी कंपाउंड गिव एन टू गैस ऑन द हीटिंग, तो बच्चों देखो ये एन टू दे देगा आपका, ये प्योर नाइट्रोजन देता है, ये भी दे देगा, ये भी देगा आपका, 3 तो ये हो गए, ये आपका नाइट्रोजन देगा बच्चों, ये नहीं देगा, ये एन टू देगा, अमोनियम कार्ड अमोनिया देगा। तो आपके पास देखिए 1 2 3 और 4, तो आपके आंसर आएगा 0 4, 0 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंपाउंड गिव द ओ टू गैस ऑन द हीटिंग, कितने ऑक्सीजन गैस देंगे बच्चों, क्लोरेट है और हैवी मेटल के ऑक्साइड वो ऑक्सीजन दे देंगे। देखिए ये दे देगा आपका, ये दोनों ये क्लियर हो जाएंगे, एच टू ओ टू देता ही आपका, के टू सी आर टू 7 भी ऑक्सीजन देता है बच्चों, के एम एन ओ 4 भी ऑक्सीजन देता है, ये आपका एन टू देगा, ये अमोनिया गैस देगा, ठीक है। तो ये दो नहीं काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो 0 6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 9 नंबर, हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड इन पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पीओएच बॉन्ड पूछा आपको, तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7, H4P2O7 जो है ना पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड में पी ओ पी लिंकेज आता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ओ एच आ गया, एक ओ एच ये आ गया, ये ओ एच और ये ओ एच, तो इसमें पी ओ एच बॉन्ड आपके पास होंगे बच्चों 4,
आंसर आएगा 04. हाउ मेनी ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, कितने ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं. देखिए N2 न्यूट्रल हो गया, NO भी न्यूट्रल हो गया, N2 3 एसिडिक हो गया, N2 4 हो गया, N2 5 हो गया, NO2 हो गया. तो आंसर आपका आ गया 04. 04 जो है वो एसिडिक नेचर के हो गए. ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी रिएक्शंस गिव द फॉस्फीन गैस. तो बच्चों इसमें फॉस्फीन गैस बन जाएगी, एक ही काउंट हो जाएगा, ये भी आपका फॉस्फीन गैस दे देगा, बिल्कुल एनसाइटिक रिएक्शन है. एसिड से कराओ चाहे वाटर से कराओ, फॉस्फीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इधर फॉस्फीन गैस बनेगी आपकी, और प्लस NaH2PO2 बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इधर भी फॉस्फीन गैस बनती है, प्लस KiH2O. यहाँ पर देखिए बच्चों ये नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ PCl3 बनेगा, ये यहाँ पर भी PCl3 बनेगा प्लस H2Cl2 बनेगा, तो इसमें भी ये भी नहीं होगा. तो 04 इज करेक्ट आंसर, 04 इज अ करेक्ट आंसर. इन ए साइक्लोट्राई मेटाफोस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी PO सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट. तो देखिए बच्चों साइक्लो ट्राई मेटाफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना ले, HPO3 का होल थ्राइस, ये है साइक. अब PO बॉन्ड आप काउंट कर लीजिए, PO लिंकेज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, इधर ये 3 है, ये आपका 4 है, फिर ये आपका 5 है, इधर आपका 6 है, फिर देखिए बच्चों ये 7 हो गया इधर PO, फिर ये आपके पास 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 आंसर आ गया, 09. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द नंबर ऑफ परोक्साइड लिंकेज इन परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड में परोक्साइड लिंकेज क्या है. देखिए बच्चों HClO4 जो होता है इसमें कोई परोक्साइड लिंकेज नहीं होता. देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हो आप, ये परोक्साइड है, इसमें 0 आंसर आ जाएगा. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द एलोट्रोपी. देखिए नाइट्रोजन कोई भी एलोट्रोप शो नहीं करता, बिस्मिथ, टेंटिमनी, आर्सेनिक और कार्बन और सल्फर. कार्बन सल्फर शो करता, आर्सेनिक एंटीमनी शो करता है, तो ये 05 आंसर इज करेक्ट. ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी एलिमेंट शो द मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी, कितने एलिमेंट मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर रहे हैं. नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम ये शो करेंगे, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये बच्चों नहीं करेंगे. देखिए कोवेलेंसी जो है मैक्सिमम 4 शो करते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट. सेकेंड पीरियड एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरोन है और बेरिलियम है, तो ये हमारे पास 04 आंसर इज द करेक्ट. ओके बच्चों आपका अच्छा पेपर हुआ होगा एक्सपेक्ट करता हूँ. ओके थैंक यू, जय सी एल सी.